जुमलेबाजी तो 10 साल से चल रही है, आपको पता है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। लोगों को चाहिए रोजगार, रोजगार तो है नहीं। 80 करोड़ जनता को देखो क्या हाल है। एक ग्रेजुएट PhD करे हुए वो घूम रहे हैं, IIT बम्बई के घूम रहे हैं, सारे चैनल हिंदू मुस्लिम। अब रिंकिया के पापा गाने से थोड़ा ना वोट दे देंगे। इन्होंने योजना चलाई, मुद्रा योजना चलाई का फायदा मिला इनके सांसद इनके नेताओं को, उसमें से पैसा निकाल निकाल के खा गए। की अडानी को देने के लिए उन्होंने 370 हटाई है। टीवी में आता है मोदी 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 की तारीफ होती है, लोग वही देखते हैं, मोदी के भक्त बनाए जा रहे हैं। अब चुनाव के हार के डर से तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। 14 तारीख को बोलता है मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, और 15 तारीख को बोलता है कि मुसलमान तो इस देश पे कब्जा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, और आज हैं हम भजनपुरा में, और यहाँ कन्हैया कुमार की रैली चल रही है और बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। जहाँ मोदी सरकार कह रही है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो वहीं कन्हैया की रैली में गूंज रहा है कि जय कन्हैया लाल की। और इस तरह से हम यहाँ बात करेंगे। सर, 25 मई भाजपा गई का नारा आप लोग दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सातों की सातों सीट इस बार फिर से हम बरकरार रखेंगे। जुमलेबाजी तो 10 साल से चल रही है, आपको पता है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, अब वो ज़माने चले गए। जनता जो है ना बेवकूफ़ बन रही, पिछले बेवकूफ़ बनाए इन्होंने, अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अब काम के नाम पर वोट होंगे। इन आदमी को चाहिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे दिल्ली में हो रहा है ऐसे पूरे देश में चाहिए। मेरी तो हाथ जोड़कर निवेदन है सभी लोगों से कि हिंदू मुस्लिम पर वोट ना देके एक सामाजिक काम के लिए और समाज में जो समाज की अच्छाई को लिए, अच्छाई के काम के लिए, रोजगार के लिए। आज जनता तराई तराई है, बेरोजगारी है, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, नौकरी ख़त्म कर दी, सारी ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई, वो अपने हिसाब से पैसे लेते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करके अब जनता जो है ना वो इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है 300+ में, और दिल्ली में 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, और कन्हैया कुमार जी भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। अभी अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में वोट ना करें, मोदी जी ने खुद ये कहा कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और अगर कभी ऐसा करूँगा तो पब्लिक लाइफ नहीं जीऊँगा, सार्वजनिक जीवन नहीं जीऊँगा। सर, वो इससे पहले ये तो जिस दिन नॉमिनेशन कराने गए थे उससे एक दिन पहले या उस दिन कहा ये वाला, इससे पहले उनका बयान था कि मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। इनडायरेक्ट वे में हिंदू मुस्लिम ही कराएं। बताओ, आज तक 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, इससे पहले 50 साल गवर्नमेंट कांग्रेस की लगभग रही है, वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, सभी सरकारें रही हैं, चंद्रशेखर जी की भी सरकार रही है, किसने मंगल सूत्र दे दिए? कितना मतलब निचले स्तर पर बात हो रही है ये हिंदू मुसलमान। भैया, आज अगर किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया ना, मैं डॉक्टर हूँ एक, आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे अपने ब्लड के लिए, मुझे अपने रिलेशन में किसी का ब्लड चाहिए, तो मैं हॉस्पिटल में कहूँगा ब्लड दे दो। मैं उस टाइम नहीं कहूँगा कि दलित का दो या मुझे पंडित का दो, मुझे इस वक्त ब्लड चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ के ये जो इतना बुरा माहौल बना रखा है आजकल, भाई प्रेम, मेरी हिंदू धर्म पर भी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम भी आस्था है, मेरा राम मंदिर में भी आस्था है, सम्मान करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ अपने मस्जिद की भी आस्था रखता हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम जहाँ पर करनी चाहिए वहाँ पर करो, नमाज पढ़ो बाहर आ जाओ, मंदिर में पूजा करी बाहर गए, बाहर आके लड़ाई लड़ने से क्या फ़ायदा? नहीं, उन्होंने कहा कि उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैंने गरीबी को ध्यान में रखते हुए कहा था, गरीबों के बच्चों जो ज़्यादा होते हैं उस बात को लेकर उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा है कि जो भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो सारा पैसा लूट के देकर छीन कर और इनको मुसलमान को दे देंगे, ये साफ है उनका बयान। अच्छा, आम आदमी पार्टी का आपने वो पहना हुआ है, और पूरे 5 साल जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी महिलाओं के मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरा है। आज आम आदमी पार्टी में एक महिला के साथ इतनी बदसलूकी होती है, क्या कहेंगे आप? उस पर अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है उस पर, अभी उसको अभी जांच का विषय है और जुडिशल में है वो, उस पर ना बोलना हमारे लिए बेहतर है, उसका इंसाफ मिलेगा, जो भी होगा सच का सच सामने आएगा। मोदी जी के राज में जो विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 4th नंबर पे पहुंच गई है, तो क्या आपको ये एक उपलब्धि के तौर पे नहीं दिखाई देती है?
चौथे नंबर पे 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन, अर्थव्यवस्था जो है विश्व में, अर्थव्यवस्था कुछ भी बना लो पहले नंबर पे कर दो, चौथे नहीं पहले नंबर पे कर दो, 80 करोड़ जनता भूखी है यहाँ की, नौकरी जो है ना दूर दूर तक नहीं है, सब खत्म कर दी, सब बेच दिया, क्या बचा देश का, देश के बहुत बुरे हालात हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही कि हम 10 किलो देंगे, तो फिर अंतर क्या है? अंतर तो रोजगार भी तो है, वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं। आप लोग, आप जैसे चैनल तो कुछ बता देते हैं, वरना वो नौकरी भी तो बात कर रहे हैं, नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, और जो गरीबी रेखा से नीचे उसको ऊपर लाएंगे नौकरी देकर, नौकरी से जाएगी 5 किलो 10 किलो राशन से नहीं जाएगी, ये बेरोजगारी। और ये इन नौकरी के लोग के उनका कहना है कि सभी को सरकारी नौकरी तो हम नहीं दे सकते, तो हमने जो है बहुत सारे सेक्टर में रोजगार पैदा किया है, हमारे टाइम में आमदनी बहुत बड़ी है, वो लगातार भाजपा के जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे 370 जो है कश्मीर में हट गया है, तो हमारे टाइम पे शांति बढ़ी है, सुरक्षा बढ़ी है, तो पहले से बहुत स्थिति अच्छी है। सर 370 का क्या मसला, आजकल लोगों को चाहिए रोजगार, रोजगार तो है नहीं, 80 करोड़ जनता को देखो क्या हाल है, एक ग्रेजुएट PhD करे हुए वो घूम रहे हैं, IIT बंबई के घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं है, कहाँ से लाओगे जॉब, जॉब की तैयारी करो पहले, हिंदू मुस्लिम मत करो, हाथ जोड़ के विनती है, हिंदू मुस्लिम मत करवाओ, सारे चैनल हिंदू मुस्लिम, हिंदू दो चार छोड़ के, ये तो सोशल मीडिया है जो लोगों को पता लग रहा, वरना अगर आप लोग ना होते तो फिर वो अंधभक्ति में, आपके नहीं होगा ऐसा, आपके जनता जाग गई है, जनता को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इन चीजों पे आपके इलेक्शन मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, आपके राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, आपके जनता लड़ रही है, जनता ने देख लिया है कि हो क्या रहा है, ये रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, GDP में देखो UP में इतना बुरा हाल है, शिक्षा का स्वास्थ्य का कुछ नहीं पता, सारा GDP 70-80% GDP में UP का मरीज है, हरियाणा का मरीज है, क्या हो रहा है, माफिया खत्म हो गया है, बुलडोजर चला है, तो वहाँ जो है काफी ज्यादा माफिया राज पहले से खत्म हो गया है, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पे भी वार किया है, पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा करा, अभी पीछे शरद पवार के भतीजा अजीत पवार 5 दिन पहले बयान दे रहे हैं हमारे बड़े नेता जी कि 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला करा है, और 3 दिन के बाद में वो ज्वाइन कर लेते हैं वॉशिंग मशीन से धुल गए, और पता ही चला कि उनको उपमुख्यमंत्री बना दिया, और सुनो उसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तक केस चल रहे थे ED थी उनको भी ले लिया, उनको मिनिस्टर बना दिया, तो क्या हो रहा है, अशोक चव्हाण को उसमें भेज दिया राज्यसभा में जो उन पर सोसाइटी वाला था, मतलब उन्हें डराओ हमारे पास आ जाओ, और जो नॉर्मल है जो ठीक है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी ने एक सबूत नहीं मिला और उनको अंदर कर दिया, अब देखो कोर्ट ने दे दी जमानत, और मुझे उम्मीद है जमानत तो मात्र 21 दिनों के लिए मिली है, जमानत मात्र जो है चुनाव तक मिली है, उन्हें पूरी तरह से जमानत नहीं दी गई है, मैंने माना अंतरिम जमानत मिली है, सर मुझे पता है अंतरिम जमानत मिली है, अंतरिम जमानत MPM MLA में ये है ही नहीं कानून के अंतरिम जमानत मिले, लेकिन जज ने देखा कि कोई सबूत तो है नहीं, दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से दी है, और आने वाले टाइम में जब कोई सबूत ही नहीं है तो बरी होंगे भाईजत भरी होंगे। चलिए आपने हमसे बात की अच्छा लगा, यहाँ और एक हुआ है सर, क्या नाम है आपका? विश्वेश। क्या कहेंगे विश्वास, कौन आ रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? नहीं इस बार तो यहाँ से तो कन्हैया आ रहे हैं, तो गारंटेड है, कोई चांस ही नहीं है, दूसरा मनोज तिवारी का कुछ काम ही नहीं गया, अब रिंकिया के पापा गाने से थोड़ी ना वोट दे देंगे उन्हें। रिंकिया के पापा ने तो कहा है कि भाई हमने 10 साल काम किया है यहाँ। नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने, सब झूठ बोला है, बस अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं, कह रहे 14,000 करोड़ का हमने काम किया है, और उन्हें हमें कन्हैया ने बोला कि आप हमें 14 पत्थर दिखा दीजिए, कोई भी सांसद का काम होता है तो शिलान्यास करता है, उसके पत्थर लगता है कि माननीय सांसद द्वारा, कुछ नहीं दिखता हमें, कुछ नहीं किया उन्होंने, ये जो पुल भी जा रहा है वो गडकरी जी ने किया है, उनका काम नहीं है ये, अपना क्रेडिट लेते हैं, सिग्नेचर ब्रिज में आए थे वो थप्पड़ मार के निकाला था उन्हें, धक्का मार मार के, आने की औकात नहीं थी उनकी। अभी हमने बाजार यहाँ घुमा तो कई लोगों से बात की तो कह रहे हैं कि ये सब मजमा है, जीतेगी यहाँ से भाजपा ही। ये पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है ये, हम भी उस्मानपुर से चल के यहाँ तक 5वें पुरते तक यहाँ से भजनपुरा तक आए हैं,
पैसे लेके नहीं आया मैं, नहीं बुलाया, हम खुद आए यहाँ पर, खुद आए हैं। पैसे से कौन आ रहा है ये भी बता दूँ, वो पैसों से ये भर भर के जो बसें आ रही हैं वो लेके आए ना, वो फायदा भाजपा के आ रहे हैं। भाजपा में अभी अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है मनोज तिवारी जी के रैली में साथ में चल रहा है, और उनसे पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे, वो कह रहा है जी वोट तो कन्हैया को दूंगा, तो कह रहा है कि आप चल तो इनके साथ रहे, आपने पट्टा तो इनका डाला हुआ है भाजपा का, वो कह रहा है चल रहे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का ये इन्होंने आलम कर रखा है कि जो लोग ना चाहते हुए भी इनका पट्टा गले में डाल के लोग चले जा रहे हैं इनके साथ। एज ए युवा कैसा देखता है पिछले 10 साल की सरकार को, आप युवा है, मैं पार्टी सपोर्टर नहीं, एज ए सिटीजन आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए नागरिक आपको 10 साल में क्या लग रहा है, कैसा सरकार ने काम किया? मेरे को 10 साल में बहुत गुस्सा लगा इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार बैठा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खुद भी ये भी घर पे बैठा हुआ भैया, ये भी खुद कहता है मैं भी खुद परेशान हूँ, इसको नौकरी नहीं मिल रही कहीं भी, जिनने भी इंटरव्यू दिए हुए कहीं नौकरी मिली इसको, यूँ खुद के इसकी मम्मी खुद कहती है इंटरव्यू दे के आता है ये लड़का, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी करता भी हूँ, मतलब नौकरी मैं कर रहा हूँ, वो योग्यता के अनुसार नहीं रहती, इंसान जितना पढ़ा है उस हिसाब से उसे काम मिले, उस हिसाब से उसे सैलरी मिले, मजदूरी में कोई ना काम करूंगा, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती किसी भी सरकार में, सरकारी नौकरी मांग भी नहीं रहा मैं, पर इतना तो रहे कि इंसान कमा खा ले, इतना रहे कि इंसान का गुजारा कल चल जाए, ये तो नहीं कि अभी मैं जैसे पहले अभी पता करके आया था, ये पोलिंग बूथ में बैठने का भी काम होता है, इसका मैंने पता किया तो मैं वो मेरे को बताने लग गए कि 500 रुपये मिलेंगे इसमें एक दिन बैठने के, और मैं आज से 10 साल पहले पोलिंग बूथ में बैठा था, लास्ट टाइम एक ही बार बैठा था, और उस टाइम मेरे को 1000 रुपये मिले थे। ये इन्होंने आलम बना दिया बेरोजगारी का कि मतलब 10 साल बाद प्राइस बढ़ना चाहिए इस चीज़ का, मजदूरी का कि घटना चाहिए। मैं 500 रुपये में मतलब पोलिंग बूथ का 12 घंटे से ज़्यादा का काम होता है, आपको पता होगा, उसमें जा रहे 500 रुपये में इंसान आ रहे हैं, ये नहीं तो कोई और कर लेगा, मजदूर है खाली बैठे हुए हैं लोग, कुछ काम दाम है नहीं, कोई ना कोई तो करेगा ही, तो भीख मांग रहे हैं क्या हम इनसे? मेहनत का मेहनत आना तो सब लोगों को सही मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, मुद्रा योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना सब महिलाओं के लिए है, और स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे युवाओं के लिए मतलब रोजगार का काम हो सकता है। जी इन्होंने योजना चलाई, मुद्रा योजना चलाई, उसका फायदा मिला इनके सांसद इनके नेताओं को, वो उसमें से पैसा निकाल निकाल के खा गए, और उन्होंने बोला कि देखो इतने लोगों को फायदा मिला, कौन थे वो लोग? यही लोग थे, यही लोग उनमें से पैसा निकाल निकाल के अपने लोगों का फायदा कराया, अपने लिए योजना चलाई उन्होंने जितनी भी चलाई है। आप स्टार्टअप योजना चला के बात करोगे, मैंने एक जगह जॉब करी थी, वो मतलब बीजेपी के ही पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप खोला था, तो उनके यहाँ पे मैंने जॉब करी थी, और उन्हें अपना काला सफ़ेद करना था और स्टार्टअप की आड़ में कुछ पैसा निकालना होगा, इसलिए उन्होंने, वरना उन पे भी बहुत वैसे भी बहुत पैसा था, तो ये सब चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। मोदी जी ने कहा कि हमने नोटबंदी किया तो काला धन खत्म हुआ, GST भी लागू की, और हमने धारा 370 भी जो है वहाँ से कश्मीर से ख़त्म किया, तो हमारे टाइम में लगातार अच्छा काम हुआ है जिससे शांति बढ़ी है और सुरक्षा बढ़ी है, भ्रष्टाचार पे हमने वार किया है और लगातार वार करते रहेंगे। जी इन्होंने 370 तो हटाया इन्होंने, और 370 हटाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो 2 महीने थे वहाँ पे बैठा है वो फुंगफुंग आंगड़ू, वो वहाँ पे अनशन वगैरह कर रहा है मरने के लिए, लद्दाख में बैठे हैं वो उन राज्य का दर्जा चाह रहे हैं वो, इसलिए हाँ तो उन्हें दर्जा दिया जा रहा है, ये तो मतलब वहाँ पे भी अडानी को देना चाह रहे हैं, अब तो यूँ लग रहा है कि अडानी को देने के लिए उन्होंने 370 हटाई है, देश के लिए नहीं हटाई, देश के लोगों के लिए हटाई है, हटाने के लिए हटाई है। अभी एक जगह पे इतने ज़्यादा जंगल की कटाई हुई है, कोई खबर भी नहीं दिखाई गई, जंगलों से हमारा जीवन चलता है, और ये खबर तक नहीं दिखाते कि जंगल कट रहे हैं कहीं पे कोयला हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, लोगों जनता को पता ही नहीं पड़ रहा। टीवी में आता है मोदी 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 की तारीफ होती है, लोग वही देखते हैं, मोदी के भक्त बनाए जा रहे हैं, टीवी भक्त बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। भक्त कैसे बनाया जाता है? भक्त ऐसे ही बनाया जाता है मीडिया के थ्रू, एक नैरेटिव बिल्ड करके। अब आप भी मोदी की तारीफ दिखाओगे, आप भी कुछ दिखाओगे, तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, काम भी उन्हीं के दिखाओगे, भले कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, घर में बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा उसे लगेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, दिखाया जा रहा है कुछ तो हो रहा है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, बिल्कुल काम कुछ नहीं हो रहा, आम जनता तो खाली बैठे हैं, बहुत काम करे हैं जी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल ने इनों के 3 दिन काम है पूछो मत, डिस्पेंसरी खोल दी लेडीजों के लिए, और क्या बोलते हैं, लेडीजों के लिए बस फ्री कर दी है, और क्या बोलते हैं, अस्पतालों के लिए फ्री कर दिया है,
और क्या बोलते बत्ती पानी फ्री कर दिया उन्होंने, बहुत काम करे उन्हें। ये भी तो सर आप क्या कहेंगे, भाजपा कह रही है कि हमने 370 हटाया है लेकिन कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही भाजपा। देखिए ये हर तरीके से देश को गुमराह करते हैं, देश के साथ छलावा करते हैं। देश के लोगों को लगता है कि धारा 370 देश के लोगों के लिए हटाई गई है, लेकिन असल इसकी वजह है अडानी अंबानी। देखना धारा 370 हटी है वहाँ पे जमीन कौन ले रहा है, अंबानी अडानी। ये अडानी के लिए धारा 370 हटाई गई है, आपने ली जमीन, किसी ने ली भाई वहाँ जमीन, जमीन ली अडानी ने। और ये सब कुछ तंत्र इस देश में तानाशाही लाने के लिए किया जा रहा है, हर संस्था पे कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कोई भी हाउसेज हो, कोई भी संस्था हो, सब पे कंट्रोल करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जो उनसे सवाल करे उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे युवा, देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, जिन्हें पता है कि हमारे अधिकार हैं लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए, जब वो सवाल पूछने लगे तो देश का युवा उनसे जुड़ने लगा। इन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का झूठन एक वो केस बना के इनके एक बोलने तो दे भाई, झूठा नैरेटिव सेट किया गया, झूठा मुद्दा बनाया गया, कोई प्रूफ नहीं है। एक पढ़े लिखे बहुत ही काबिल बच्चे को आतंकवादी घोषित किया गया। देश के जब किसान आए आंदोलन करने, बोल रहे थे वहां जाना है रामलीला मैदान, उन्हें नहीं जाने दिया। क्या ये लोकतंत्र हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम आंदोलन करें? देता है ना। तो आप हमें आंदोलन नहीं करने दे रहे किसान को, आप जवान को, एक जवान ने कहा कि मुझे खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा, योगेंद्र यादव नाम था, उस जवान के साथ इन्होंने इतनी दुर्गति करी। मणिपुर के अंदर एक जवान की वाइफ को निर्वस्त्र करके उसको घुमाया गया, उसका बलात्कार किया, वहाँ लोगों के सिरों में गोली मारी गई, एक शब्द ये नहीं बोले। हर मोर्चे पे ये फेल है। देश के युवाओं को गौ रक्षा के नाम पर बड़े बड़े गुट बनाए गए, वो बच्चों में देशभक्ति थी, उन बच्चों में गौ माता को अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन उनके साथ कब छुलावा हुआ? जब उन्हीं गौ मास का बिजनेस करने वाले लोगों से 250 करोड़ रुपए चुपचाप ये ले गए। देश आज कन्हैया कुमार को जिसने थप्पड़ मारा आज वो जेल गया। मनोज तिवारी कहाँ गए? थाईलैंड गए। मनोज तिवारी मसाज करेंगे थाईलैंड में, और उनके पीछे पागल हुए बेबुनियादी विवेकहीन बच्चे जिनको कुछ नहीं पता, जिनको बेवकूफ बना दिया गया, वो कहाँ गए? जेल में। तो अपने अधिकारों को समझो। ये जो नेता है आपका यूज कर रहे हैं, ना ये गाय के हैं, ना ये राम के हैं, ना ये हिंदुस्तान के हैं। तो इनका अब ये 10 सालों के राज में एक्सपोज हो चुके। खुद नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सामाजिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। अगले ही दिन गजनी फिल्म देखी आपने, आमिर खान हर 15 मिनट में भूल जाता है, ये आदमी भी वही है। अब चुनाव के हार के डर से इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। 14 तारीख को बोलता है मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, और 15 तारीख को बोलता है कि मुसलमान तो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, ये मुसलमानों को सोना दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे। अरे मंगलसूत्र तो सबसे पहले जसोदा बहन का आपने छीन लिया मोदी जी, आप किसके मंगलसूत्र बताने की बात कर रहे हो? हर तरफ से झूठ का एक बड़ा सा कैसे मीडिया को खरीदा गया। लोग टीवी खोलते हैं सारे दिन वही चलता है यार। इस देश में साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, बहुत तरह के लोग हैं, वो सब फीके हो गए, उनकी जो काबिलियत है सब फीकी हो गई। आज देश का युवा सारे दिन राजनीति देख रहा है, हिंदू मुसलमान देख रहा है, वो भूल गया मुझे डॉक्टर बनना है, इस देश की सेवा करनी, वो भूल गया मैं आर्मी में जाऊंगा, वो भूल गया मैं इंजीनियर बनूंगा। नहीं, सबको नेता बना रहे हैं ये लोग, और वो भी कौन से, जो ये लड़का है ना चौधरी, जो बिना कुछ सोचे समझे एक प्रत्याशी को थप्पड़ मार देता है ये कह के कि ये देश के टुकड़े कर रहे हैं, जबकि वो एक फर्जी एक वो बनाया गया था कन्हैया कुमार के खिलाफ। तो टुकड़े टुकड़े तो ये कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान तो प्रेम का भारत था, दयालुता की धरती थी, भगवान श्री राम का। आपने इतना सब कुछ कहा लेकिन पिछले 2 बार से लगातार भाजपा बम्पर जीत दर्ज करती आ रही है, इस बार भी कह रही है कि इस बार भी हम जो है 300+ सीटें 400 के साथ
दिल्ली में सातों की सातों सीटें बरकरार रखेंगे। सातों आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में बंद किया, हो सकता था कि उससे पहले ये कहीं ना कहीं जीत सकते थे, कहीं ना कहीं ये लड़ाई में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने इस दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दी, शिक्षा की सुविधा दी, इतना अच्छा काम किया, इन्होंने बंद किया। उस दिन से ही दिल्ली की जनता में इतना आक्रोश हो गया दिल्ली की जनता में कि उन्होंने फाइनल कर लिया कि भैया अब इन्हें वोट नहीं देनी। ये भी बता दूं, और वहाँ पे हम थप्पड़ मार के गया है, ये खामा का ये देखो इनको मंच पे और शाही घेर के गया है, इनको मंच बिठाते हैं, ये मंच पे बैठते हैं और गाजियाबाद में मंदिर में वो मस्जिद में घुसे ये जूते पहन के जानबूझ करके, ताकि एक आदमी को कह रहे हो इनसे हमको खतरा है। आप वो अपने घर पे है, आप उनकी गली में जाके उल्टे सीधे काम कर रहे हो, उन्हें उकसा रहे हो, समझ रहे हो, तो और क्या करेंगे भाई, वो रिटेल कुछ बोले भी ना। अगर मोदी जी ने 10 साल में कुछ तो अच्छा काम किया होगा, कुछ तो आपको अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ है कि नहीं है, एज ए नागरिक कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा? सोच रहा हूँ कुछ याद आ जाए तो। मोदी जी कुछ किया क्या भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा किया जो इसके इनके दोस्तों के लिए अच्छा किया, अंबानी अडानी के लिए अच्छा किया, मेहुल चौकसी के लिए अच्छा करा, नीरव मोदी के लिए अच्छा किया, देश के बैंकों से पैसा लूट करके वो तो भाग गए, उसका हर्जाना देश को कैसे भरना पड़ा, पेट्रोल डीजल गैस इनके ये रेट बढ़ाते गए, तो ये तो यही हुआ। अच्छा तो उनके दोस्तों के लिए हुआ है और बुरा देश की जनता के लिए हुआ है। तो अब देश की जनता इनका छलावा समझ चुकी है, अब हिंदू मुसलमान यार फेड अप हो गए भाई। हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हम मिलके रहेंगे इस गुलदस्ते में, अलग अलग तरीके के हम फूल हैं, हम एक साथ मिलकर के महकेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो मोदी सरकार कह रही है कि इस बार फिर से 400 के साथ सरकार बनाएंगे हम। मोदी सरकार की इस बार 150 सीटें भी नहीं आ रही, 150 सीटें नहीं आएंगी। मोदी सरकार ने हम जैसे युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार का झांसा दिया था, सुना था आपने भी, ठीक है। आज मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है मैंने, और अभी इन्होंने 10 साल में यूपी पुलिस में भर्ती निकाली थी, जिसका एग्जाम देने में लखनऊ गया था। 5,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, किसी से पैसे लेकर मैं एग्ज़ाम देने गया लखनऊ, और लखनऊ पहुँचा, एग्ज़ाम दिया, सेंटर से बाहर निकला और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जो पेपर की सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं कर सकते। आज तक ये बताइए मुझे, मोदी जी की सुरक्षा चूक नहीं हुई आज तक भी, पेपर की क्यों चूक हो जाती है हर बार, हमारे जैसे युवाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं मोदी जी, ये बताइए। 10 साल से हमारे को झांसा दे रखा है कि हम नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं करा। आज का युवा इतना परेशान है, कहीं नौकरी के लिए जाता है। भाजपा के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, तो जिसके पास टैलेंट है, जो स्किल होगा जिसके पास, वो काम कर लेगा, वो पैसा कमा लेगा। कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, मैंने खुद जूल नाम्स का कोर्स कराया, मास कम्युनिकेशन मीडिया का, ठीक है, इग्नू से मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं पे मैं, अगर पहले फ्री इंटर्नशिप करनी पड़ती है इसके अंदर 3-4 महीने, वो भी कर चुका, कहीं जाऊंगा मैं इसमें भी तो 10,000 का जो हमारे हाथ में लिफाफा पकड़ाया जाता है, जिसमें हमारे को किराया भी है और सब कुछ है। अब बताइए 10,000 में हम क्या करेंगे, सिलेंडर वो महंगा, किराए पे वो रहते हम वो महंगा, ये बताइए पेट्रोल वो महंगा, जो बंदा आटे और GST दही पर GST लगा दे, बुकों पर GST लगा दे, वो जनता क्या अपना होगा, ये बताइए। टैक्स अगर नहीं लगी सरकार तो फिर काम कैसे करेगी? टैक्स तो पहले भी लगता था, कांग्रेस के राज में भी लगता था टैक्स, ये बताइए क्या उन्होंने टैक्स नहीं लिया? तो हमने अभी बात की बहुत सारे युवाओं से, और सभी लोगों ने अपनी राय रखी है, और क्या सोचते हैं आप हमारी इस बातचीत पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष रथ, रंजय कुमार, जनहित आवाज।